हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग केके दैट हवा और मैं हूँ किरण कौर फाहर। कल रात को जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई और अच्छी बारिश होने पे जब हम लोग सुबह उठे तो हर चीज़ क्लीन नज़र आ रही थी और क्लीन के साथ साथ हर चीज़ ग्रीन भी नज़र आ रही थी, क्योंकि जो ग्रीनरी होती है जब वो साफ हो जाती है तो और भी खूबसूरत लगने लग जाती है। तो क्योंकि हर चीज़ क्लीन है और हर चीज़ ग्रीन दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आज का वीडियो ऐसा ही होना चाहिए। तो आई डिसाइडेड कि और यस, आज में है मेरा है वीकली ऑफ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गार्डन को और ग्रीनरी को एंड अपनी कुकिंग को और अपने जो मेरा डेली रूटीन है उसको क्लब करते हुए एक वीडियो बनाती हूँ। तो देर किस बात की, चलते हैं मेरे गार्डन में। वाला कलर है, किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं है। तो सबसे पहले इसको मैं धो रही हूँ यहाँ पे चलते हुए पानी में, बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है पालक को। और अब कुकर में डाल देते हैं। पालक के साथ ही मैं उस टमाटर को भी डाल देती हूँ जो मैंने अभी अपने पेड़ से निकाला है, बिना काटे डाल देते हैं क्योंकि एकदम सॉफ्ट ये टमाटर है। और यहाँ पर मैं स्वाद के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, छोटा चम्मच जो है, आधा चम्मच जो है मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। और मिर्च भी आप स्वाद के हिसाब से डालिएगा, मैं बहुत कम मिर्च खाती हूँ। और बस अब हम सिर्फ दो सीटी लगाएंगे इस पालक में, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कढ़ाई लेके हमने उसमें तेल डाल के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया पनीर को और अब हम पनीर को यहाँ पर थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। कम तेल में ही करेंगे, हमें ज़्यादा तेल नहीं लेना है। और आप देख सकते हैं बस इतना ही गोल्डन मुझे ब्राउन करना है, हल्का सा, क्योंकि इससे ही होगा कि पनीर जो है वो जैसे ही पालक में जाएगा वो टूटेगा नहीं। बस इस प्रोसेस को इसलिए किया गया है, अदरवाइज़ इस प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अच्छे तरीके से पनीर में से तेल को निकालते हुए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब जो जिस तेल में हमने पनीर को फ्राई किया था उसी में हम इसमें ज़ीरा मिला देते हैं। और तब तक ज़ीरा जो है भुन जाए, हमें इसमें एक मीडियम साइज़ का जो मैंने यहाँ पर प्याज लिया है वो मैं डाल दे रही हूँ। और जैसे ये प्याज जो है वो बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मैं इसमें अदरक लहसुन और एक मीडियम साइज़ वाले टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ, क्योंकि एक टमाटर जो है वो मैंने पालक के साथ जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब इसको इतना अच्छे से हमको
मैंने पका लिया है कि आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है मसाले ने, इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। बाकी सारी चीज़ें हम डाल चुके थे इसलिए अब हम पालक ऐड करेंगे। पालक ऐड करने के बाद एक एक करके हम डालते चले जाएंगे इसमें पनीर। और इसे जो अपना चम्मच है उससे हल्का हल्का ही हिलाएं, ज़्यादा प्रेशर ना दें, और 5 मिनट तक इसको पकाएं और उसके बाद फ्लेम बंद कर दें। और पालक पनीर के साथ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म फुलके और बूंदी वाला रायता। आहा, रूबरू हो जाइए इस वर्चुअल ट्रीट में, दौड़ के कूद के आ जाइए मेरे साथ ये पालक पनीर खाने के लिए, ये बूंदी वाला रायता। और देवी और सज्जनों, आपके लिए यहाँ पर मैंने बनाई है 2 गर्मा गर्म फुलके। तो देर किस बात की यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना। मैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ मज़ेदार सी वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।